hi everyone jsl here welcome to the channel jsl tech solution so today is 25th august uh, 2024 and uh, we are going to talk about the next week which is going to start from 26th so let's first talk about the all sectors including nifty and others uh, sectors so but yeah let's start with the nifty so nifty uh, if you see i mean last time we discussed that it was stuck uh, in this particular range and then now it has came out from this particular range right so लुक्स गुड एंड यहाँ पर जो गैप था वो भी uh, निफ्टी ने फिल कर दिया है अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप था राइट right? ये गैप भी निफ्टी ने फिल कर दिया है सो नाव इट इज गुड टू गो फर्दर बट हो सकता है कि यहाँ पर जो बायर अटके हुए थे मतलब जिन्होंने यहाँ पर परचेस किया था हाँ वो यहाँ पर शायद निकलने की कोशिश करे तो पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस भी कर सकता है जैसे कि यहाँ पर लेटमी ड्रॉइड सो यू Get an idea. So, ऐसा हो सकता है सपोर्ट ऐसे, ऐसे so, यह लेके ऐसे भी कर सकता है सो so, देर आर चांसेस एंड हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से भी आप हो सकता है आर देर आर मल्टीपल चांसेस आते बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स वेरी गुड निफ्टी का चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है uh, जो हिसाब से लास्ट uh, तीन वीक में मोवमेंट दिया है

सो एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स जहां पर मुझे मैं सारे सेक्टर में नहीं जा, जाना चाहूंगा बट जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जहां पर पोटेंशियल दिख रहा है मुझे वहां पर देख सकते हैं एक तो ऑटो एंसिलरी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्यों उसका रीजन है बिकॉज ऑटो एंसिलरी में अगर आप ठीक से देखोगे तो ये कैंडल्स वीकली कैंडल बहुत ही अच्छे बना रहा है एंड अगर आप डेली में देखोगे डेली में इतना अच्छा नहीं लग रहा है बट डेली में ये जो बड़ा सा ड्रॉडाउन हुआ था उसके बाद ये सारे गैप फिल कर रहा है तो फर्स्ट गैप फिल होगा ये सेकंड गैप है right? राइट बट अगर आप वीकली में देखोगे तो इट लुक्स लाइक ये यहाँ पर ये जो कप है ऐसा छोटा वाला कप बोल सकते हो यहाँ पर आके ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा बट देन उसके बाद आई मीन इट विल मूव स्ट्रांगली सो निफ्टी के स्पेशली ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स एंड अदर स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी वेरी गुड राइट आईटी सेक्टर जो लास्ट वीक uh, में स्ट्रांग था वो अब लग रहा है कि थोड़ा सा आ, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुआ है लुक्स लाइक आफ्टर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वीक और डेली चार्ट में भी अगर आप वही सेम चीज फील कर सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चालू है तो आईटी पे हो सकता है कि थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो एंड देन इट विल स्टार्ट पिकिंग इट अप एंड सेम वे अगर मेटल सेक्टर में देखने जाए तो मेटल सेक्टर वापिस पुल बैक कर रहा है इफ यू सी लास्ट लास्ट वीक में मेटल के कुछ स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे तो वी शुड कीप एन आई ऑन मेटल स्टॉक एज वेल बिकॉज इट टेकन दी सपोर्ट हियर राइट सो ये सपोर्ट लेने के बाद ये वापस पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर लुकिंग ओके नॉट दैट ग्रेट एफ एम एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है अगर आप एफ को ध्यान से देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है uh, अगर ये मीन ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक कर दिया है तो एफ एम सी जी ऑल्सो लुक्स गुड सी एन एक्स पी एस सी सेक्टर भी काफी अच्छा लग रहा है अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के सेक्टर देखोगे तो ये कंटिन्यूसली इस पे कंसोलिडेट कर रहा है राइट दो वीकली हैमर बनाया है वो वीकली हैमर पे वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन सम ऑफ द स्टॉक्स नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी की स्टॉक्स ऑल्सो फॉर नेक्स्ट वीक बट आई विल ऑल्सो शो लाइक हाउ कस्टम सेक्टर ऑल्सो वर्क सो so, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो कस्टम सेक्टर है ओके लेट सो फर्स्ट स्टॉक एच एस सी एल आई मीन सी ये मैंने अपने ग्रुप में भी पोस्ट किया था टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था और यहाँ पर भी मैंने लास्ट वीक बोला था कि टाइट कंसोलिडेशन में से बाहर निकलेगा तो रॉकेट बनेगा एंड एंड सिमिलर वे आई मीन यू सी लाइक

रख सकते हो नेक्स्ट स्टॉक है सी डी एस एल आई मीन ये तो आई थिंक सबका फेवरेट स्टॉक है आई थिंक आप लोग ने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा अगर नहीं रखा है तो स्टार्ट अक्यूमलेटिंग इट आफ्टर स्प्लिटिंग दी क्वांटिटी आई मीन स्टिल आई मीन ऑन द सिंगल डे इट स्टिल्व परसेंट मूव राइट सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक सो यू शुड नॉट इवन लीव दिस पर्टिकुलर स्टॉक एनी टाइम टीवी मोटर भी हम लोग ने डिस्कस किया था जो लास्ट वीक छह परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है विथ स्ट्रांग वॉल्यूम लुक एट दी लास्ट फोर वीक का वॉल्यूम वेरी वेरी स्ट्रांग राइट सो ये स्टॉक भी आप अपने राइड uh, कर सकते हैं ये सारे में राइडिंग वाले स्टॉक ही बताता हूँ कैंप्स की बात करें तो कैंप्स में लास्ट वीक इतना अच्छा मूव नहीं दिया था खाली चार परसेंट का मूव आता बट ये एटलीस्ट छः सात परसेंट तक गया था फोर सिक्स टू नाइन लेवल तक गया था एंड देन इट केम डाउन बट अगेन लाइक सी डी एस एल दिस स्टॉक इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग ग्लैक्सो हम लोग ने लिया था लास्ट टाइम नॉट अ ग्रेट मूव खाली एक डेढ़ परसेंट दिया है लास्ट वीक बट अभी भी स्ट्रांग है आई मीन इट इज नॉट ब्रीच दास्ट प्रीवियस वीक कैंडल सो स्टिल दिस कंपनी आई मीन दिस स्टॉक इज इन गुड स्टेज ग्लैंडमार्क फार्मा ये द सुपर मूह था ब्लॉकबस्टर मूव था सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट एंड विथ वेरी स्ट्रांग कैंडल क्लोज राइट अगर आप ये कैंडल का क्लोज देखोगे वेरी वेरी स्ट्रांग वीकली कैंडल बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है एंड इफ यू टेकन एंट्री डू राइड इट सी हाउ मेनी स्टॉक्स आई मीन हाउ मेनी स्टॉक्स आई एम कैरी फॉरवर्डिंग इट टू द नेक्स्ट वीक आप अगर मेरा कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो स्टॉक्स से ये सारे लास्ट वीक डिस्कस किए थे भी हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था इतना ग्रेट uh, रन नहीं दिया है बट अभी भी स्ट्रांग ही है क्योंकि ये पूरे कप के ऊपर में है हम लोग ने डिस्क्रिप डिस्कस कि, भी किया था कि ये कप का ट्वेंटी परसेंट का रिटर्न मिल सकता है एंड अभी भी मैं उस पर कायम हूँ कि ये ट्वेंटी तो एंट्री ले सकते हो राइट बीकाजी फूड अगेन आई मीन आफ्टर दिस गुड रन वन टू थ्री फोर कैंडल थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है वीक नहीं हुआ है थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है तो हो सकता है कि ये फ्लैट बेस क्रिएट कर दे थोड़ा फ्लैट बेस क्रिएट करे एंड देन फिर वो रन चालू करे राइट right? सो so, ये स्टॉक पे आप आ, इस पे आपकी नजर होनी चाहिए अगर ये लेवल ब्रेक करता है ऊपर का लेवल देन यू कैन मेक अ एंट्री एफएल जो हम लोग लास्ट वीक डिस्कस किया था अभी भी मैं बोल रहा हूँ एफएल इज हैविंग लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू मूव फर्दर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है आगे बिकॉज ऑफ आई टी इफ इट इज वीकनिंग बट स्टिल आई मीन यू कैन कीप दिस स्टॉक फॉर दी लॉन्ग टर्म एल टी टी एस हाउ मेनी ऑफ यू आर रिमेंबर आई मीन मैंने ये बोला था कि ये लेवल ये लेवल क्रॉस फोर नाइन लेवल के बाद ये मूव करेगा एंड लुक एट दिस रन फाइव परसेंट वन वीक में फाइव परसेंट राइट एंड अभी भी स्ट्रांग है अगर आई टी सेक्टर चला तो ये स्टॉक चलने ही वाला है तो अगर आपने एंट्री ली है देन राइड इट टेक महिंद्रा भी हम लोग ने डिस्कस किया था इतना अच्छा मूव नहीं दिया है लास्ट वीक एक ही परसेंट दिया था पर हम लोग ये दो वीक से कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई थिंक अगर दो वीक का मेला के आप देखोगे तो छह परसेंट का रिटर्न टेक महिंद्रा ने भी है। again, a, a run, this, this level, level, दिया है इन्फोसिस अगेन आफ्टर लॉन्ग बुल रन लुक एट दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल वन पंद्रह के लेवल से उन्नीस के लेवल फोर हंड्रेड का रिटर्न दिया है राइट सो एंड एंड स्टिल आई मीन सी आफ्टर आफ्टर मेकिंग दिस गुड रैली इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक रेस्ट राइट हो सकता है कि और थोड़ा नीचे आए बट यू शुड नॉट एग्जिट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो बिकॉज दिस कंपनी इज द सेकेंड लार्जेस्ट आई टी कंपनी इन इंडिया सो कीप इट इंग योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इफ यू वॉन्ट टू कीप इट

okay so now let's talk about the stock for the next week the first stock here power make now power Mac is a very good company it's a mix of company like construction power energy and very good company very strong company and i think this company is also part of new nuclear energy uh, uh, theme of india right which government has uh, Announced in during your budget day. So I think this is also one of the company, and I'm very bullish in this particular company. We took the entry. I mean, in our private group, we took the entry at this level. Look at this level 5650. And Sub ride And I think uh, in last two weeks it has given 5 plus 16, 21% return it has generated. And I'm still bullish uh, on this particular stock, and I'm going to ride it. I'm going to ride it for. फ्यू मोर मंथ्स एज वेल बिकॉज आई थिंक इसमें ऐसे टाइप का मुंह अभी भी आने का चांसेस है राइट सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज के आपको अगर एंट्री लेना है तो अगर ये थोड़ा सा और रिट्रेस करता है देन वेट फॉर इट नहीं करता है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज कौन, में अक्यूमलेट कर सकते हो आप वेट भी कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि भाई ये लेवल बहुत ही महंगा है देन यू कैन वेट और यहाँ पर अगर मेरा आप इंडिकेटर uh, भी देखोगे ओके okay. leave it about the indicator, but uh, one minute, or, or let me load it again. Uh, if I can show you something. Stroke strength. Ah, look at this indicator. Now this indicator, which I have developed, uh, uh, considering multiple things like RSI, ADX, ADR,

एंड अभी भी ये स्टॉक स्ट्रॉग है मेरा स्कोर भी बता रहा है नाइनटीन एंड वैलिड एंट्री फ्रेश एंट्री के लिए वैलिड है राइट सो यू कैन डेफिनेटली प्लान योर एंट्री अगर ये वापस थोड़ा सा रिट्रेस करे फोर थर्टी थ्री तक अदरवाइज आप यहाँ पर छोटी क्वांटिटी ले सकते हो प्रॉबेबली सी ऑटो सेक्टर सपोर्ट करना चाहिए दैट इज दी प्राइम क्राइटेरिया नेक्स्ट स्टॉक इज ज्योति सी एनसी नाउ अगेन दिस दिस इज अ ज्योति सी ऑटोमेशन स्टॉक इज अ वेरी गुड कंपनी आप ये कंपनी को स्टडी कर सकते हो फंडामेंटली एंड uh, ये रिसेंट कंपनी है आई थिंक रिसेंट आई कंपनी है लॉन्च इन जनवरी टू ओनली एंड इट हैज गिवन गुड रन आफ्टर गिविंग द गुड रन ये थोड़ा सा रेस्ट करके वापस मूव होने की कोशिश कर रहा है एंड uh, uh, अगर आपको सेफ़ एंट्री लेनी है तो आप ये वन थ्री वन जीरो के ऊपर ले सकते हो एंड लुक्स वेरी गुड अभी मेरा स्कोर सेवन बता रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट कंप्लीटली ब्रोकन दिस पर्टिकुलर कप एंड अदर पैरामीटर्स आर नॉट मैचिंग सो इट इज शोइंग नो एंट्री विथ सेवन स्कोर राइट सो हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है वन थ्री सेवन फाइव या तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये स्कोर फिफ्टीन के ऊपर चला जाए सो दिस इज हाउ आई मीन दिस इंडिकेटर इज हेल्पिंग इफ यू इफ यू आर नॉट गुड एट द टेक्निकल एनालिसिस एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्रस्ट सम वन वू हैव एक्चुअली एनालाइज ऑल दी प्राइस वॉल्यूम एक्शन टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड शोइंग द स्कोर देन इट इज वर्थ टू इनवेस्ट मनी इन दियर लर्निंग सो जस्ट थिंक अबाउट इट के आप स्टॉप लॉस हिट करवा के या तो कोई भी खराब स्टॉक में एंट्री मार के अपना पैसा घुमा रहे हो हार्ड एंड अनी यू आर लूजिंग इट तो उससे अच्छा है कि आप किसी मेंटर के अंदर में सीखिए एंड एंड जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम दी टेक्निकल एंड फंडामेंटल परस्पेक्टिव राइट बिकॉज ओनली टेक्निकल वोंट हेल्प यू शुड ऑल्सो है फंडामेंटल नॉलेज एज

सो so, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे कस्टम सेक्टर बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है टाइटन कल्याण ज्वेलरी राजेश एक्सपोर्ट वैभव ग्लोबल तंगामलाई स्काई गोल्ड सो ये सारे डायमंड एंड ज्वेलरी के कंपनीज है तो उसको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंपनीज मैंने कर दिया है तो एक थीम बन गया कि भाई ये ज्वेलरी एंड डायमंड का सेक्टर है अभी नाउ इफ दिस एंटा सेक्टर इज परफॉर्मिंग लुक एट दिस ये एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर एंड वापिस ये परफॉर्म कर रहा है तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि यहाँ पर इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था एंड देन इस ब्रेकआउट के बाद ये रन चालू हुआ है वापिस थोड़ा सा रेस्ट किया अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा रेस्ट किया है, पर ब्रेकआउट दिया है तो अगर सेक्टर इतना अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके स्टॉक में हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो हमें डिसाइड करना है बट जिसका सेक्टर ही स्ट्रांग नहीं है तो उसका स्टॉक कितना भी स्ट्रांग हो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा राइट right? सो इसीलिए आई वुड जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू एवरीवन कि यू शुड आल्सो मेक द कस्टम इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर थीम जहां जहां पर जो थीम मिल रहा है जैसे कि क्यू का एक थीम रहता है डिफेंस का एक थीम रहता है बहुत सारे स्मॉल स्मॉल थीम्स रहते हैं अगर आप स्मॉल स्मॉल थीम्स पे फोकस करोगे तो ऐसा रिटर्न मिलेगा लुक एट दिस रिटर्न अगर आप रिटर्न को भी कंपेयर करो यहां से अगर जस्ट इफ यू आर मेजर इट लुक एट दिस सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट रिटर्न राइट तो हो सकता है कि ये भी सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट रिटर्न मिले तो थिंक अबाउट इट कि तो इंडिविजुअल so आपके जो भी थीमेटिक सेक्टर है उसका लिस्ट बनाओ और ऐसे इसको ट्रैक करो एंड जो भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसमें आप एंट्री मार सकते हो लुकेट दिस स्टॉक नाउ इसको डेली चैट पे लेके जाते हैं फ्रेश एंट्री नाउ फ्रेश एंट्री डी मीन यू शुड टेक इमीडिएटली यू शुड वेट फॉर दिस पैटर्न ब्रेकआउट राइट इट इज टेलिंग यू दैट स्टॉक स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉग बट यू जस्ट नीट टू सी दैट ये रजिस्टेंस भी क्रॉस होना चाहिए तो आई मीन इफ नाइनटीन सेवनटी रजिस्टेंस रजिस्टेंस सस्टेन हो रहा है उसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है एंट्री सो दिस स्टॉक लुक्स गुड एंड मुझे लग रहा है कि अगर इसका टारगेट भी आप अगर मेजर करना चाहो तो ये डेप्थ मेजर करो सिक्सटीन परसेंट डन तो दे ही सकता है ऊपर में सो थिंक अबाउट इट आई मैन इफ यू प्लान योर यू कैन प्लान योर एंट्री अबाउट नाइनटीन सेवेंटी एंड देन यू कैन थिंक टू मेक द एंट्री राइट सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू डिस्कस एवरी वन सो थैंक्स एवरी वन एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो दैट्स ऑ आई एम गेटिंग द मोटिवेशन एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल So that's it. Thank you and bye bye.